के होंगझोऊ में आयोजित एशियन गेम्स 2023 में भारत ने तो गर्दा ही उड़ा दिया। भारतीय निशानेबाजों ने अपना ऐसा जलवा बिखेरा कि चीन के निशानेबाज भी चित हो गए। एशियन गेम्स का दूसरा दिन भारत के लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। भारतीय निशानेबाजों ने अपने देश को इस बार का पहला गोल्ड मेडल दिला दिया, साथ ही चीन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रुद्रंकेश पाटिल और दिव्यांग सिंह की तिकड़ी ने भारत की झोली में गोल्ड मेडल डाल दिया। भारत के लिए मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में इन तीनों निशानेबाजों ने हिस्सा लिया। शुरुआत से ही इनका प्रदर्शन शानदार रहा। सबसे अहम बात रही कि भारतीय निशानेबाजों ने विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया। भारत ने मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए 1893.7 पॉइंट्स के साथ चीन को पीछे छोड़ दिया। चीन के 1893.3 पॉइंट्स थे। अगर मौजूदा स्टैंडिंग को देखें तो भारत 1893.7 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है। कोरिया दूसरे नंबर पर है, उसके पास 1890.1 पॉइंट्स है। चीन तीसरे नंबर पर है और उसके पास 1888.2 पॉइंट्स है। एशियन गेम्स के दूसरे दिन रोइंग में भी दो ब्रॉन्ज मेडल पर भारत ने कब्जा किया। बता दें कि भारत ने अब तक टोटल 7 मेडल जीते हैं। पहले दिन कुल 5 मेडल खिलाड़ियों ने हासिल किए थे। मेहुल घोष, आशी चौकसे और रमिता जिंदल ने 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था। रोइंग में अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह ने सिल्वर जीता था। कॉक्सलेस डबल्स इवेंट में बाबूलाल और लेख राम ने ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया था। Oh, oh, oh.